हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लीड कोड डेली चैलेंज सो आज सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम कॉमन वैल्यू और अगर कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्ट इन एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट बट क्वेश्चन काफी सिंपल है ओके गिवन टू इंटीजर एरे नम्स वन एंड नम्स टू सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर रिटर्न द मिनिमम इंटीजर कॉमन टू बोथ एरेज

सो so, uh, काफी सिंपल है यार आपको दो एरे दिए होंगे और वो दोनों एरे क्या है सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब नॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर अब आपको क्या करना है आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न करनी है जो इन दोनों एरे में क्या है कॉमन होने वाली है ठीक है कॉमन मिनिमम वैल्यू ये हमें रिटर्न करनी है अब करेंगे कैसे ठीक है तो यहाँ पे मल्टीपल अप्रोचेस है मैं तुम्हें एक एक करके सब बताता हूँ लेट से हम यहाँ पे एक पॉइंटर रख देंगे आई ठीक है और हम कहेंगे वन है वन को इस एरे में ढूंढ के लाओ ठीक है देन नेक्स्ट चलेंगे टू पे टू को इस एरे में ढूंढ के लाओ तो हाँ पहली बार में टू मिल गया आप ब्रेक कर जाओगे ठीक है इन केस आपने ये पूरा एरे ट्रेवल किया और यहाँ पे एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिला तो यू कैन रिटर्न माइनस वन ये क्वेश्चन में बोला गया है ठीक so, है सो वर्स्ट केस में लेट्स से इसकी साइज है एन और इसकी साइज है एम सो so, जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी एन इन टू एम वाई मल्टीप्लाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एन यू आर गोइंग एंड चेकिंग इन एम तो वर्स केस में अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो एन इन टू एम अब क्या इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज की नहीं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कॉन्स्टेंट है सो दिस इज दाइम इन स्पेस ओके तो ये एब्सोल्यूट ब्रूट फोर्स टेक्निक है अब इसे थोड़ा बेटर करने का ट्राई करते हैं ओके तो फर्स्ट अप्रोच की ड्रॉबैक क्या है कि आप हर एलिमेंट को जा करके इस दूसरे एरे में ढूंढ रहे हो यानी कि जब वन को ढूंढोगे तो एम साइज मतलब इसे पूरा ट्रैवल करोगे फिर से टू को ढूंढने के लिए लेट से टू नहीं मिलता अगर तो भी एम ढूंढते देन थ्री पे जाते फिर से एम ढूंढते मतलब कि आप एन टाइम्स एम ढूंढ रहे हो राइट एम ट्रैवल कर रहे हो सो दिस इज एन इन टू एम क्या मैं इस पार्ट को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ क्या मैं ये जो सर्चिंग कर रहा हूँ इसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ हाँ यार कर सकते हैं कैसे हैशिंग करके जब भी आपको सर्चिंग करनी है बेस्ट वे इज़ हैशिंग अब हैशिंग में क्या आपको डुप्लीकेट्स प्रॉब्लम देंगे यहाँ पे बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा कितने भी डुप्लीकेट्स होने चाहिए हमें खाली एक से मतलब है ठीक है तो इन एलिमेंट्स को ट्रैवल करते हैं और इन्हें सेट में इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं तो ये मेरा हैश सेट है अब मैंने टू को देखा इंसर्ट कर दिया फ़ोर को देखा इंसर्ट कर दिया ठीक है अगर डुप्लीकेट्स होते लेट से एक और टू होता कहीं पे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब आपको क्या करना है सिंपल वही काम सबसे पहले एलिमेंट देखे वन आप चेक करोगे आपके सेट में वन है तो ये जो चेकिंग है ये अब कॉन्स्टेंट टाइम में हो रही है ठीक है तो आप अपना टाइम बचा रहे हो नेक्स्ट एलिमेंट पे आप जाओगे आपको टू मिलेगा आपको हाँ यार टू मिल गया यहीं से रिटर्न ट्रू जस्ट इन केस लेट से यहाँ पे टू की जगह पे थ्री uh, होता और यहाँ पे फाइव होता ठीक है तो आप थ्री सर्च करते नहीं मिलता फाइव सर्च करते नहीं मिलता तो जब इस एरे में एलिमेंट बचे ही नहीं तो यू कैन से रिटर्न माइनस वन पॉसिबल ही नहीं है okay? ओके अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी सबसे पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैश सेट क्रिएट करने की हो जाएगी बिग गो ऑफ एक ही बार वहां मल्टीपल टाइम्स हो रहा था प्लस दूसरा आप क्या काम कर रहे हो इसे ट्रैवल कर रहे हो ठीक है और जो चेकिंग टाइम है दैट इज कांस्टेंट तो प्लस वी कैन से सम कांस्टेंट टाइम और इसे इग्नोर भी कर सकते हैं राइट right? क्योंकि ऑब्वियसली यार हैशिंग यूज कर रहा है हमारा सेट तो कोई पॉइंट नहीं चेक करने का अब नेक्स्ट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने बस एक हैश सेट बनाया है जो कि वर्स्ट केस में एम साइज का होगा जहां पे एम में सिर्फ यूनिक वैल्यूज होंगे डुप्लीकेट्स नहीं होंगे अगर डुप्लीकेट्स हैं तो वी कैन से बिग ओ ऑफ के मतलब एम या फिर के वेयर के इज यूनिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड वर्स्ट केस में के एम के बराबर है ठीक है क्योंकि आपका सेट डुप्लीकेट रखता ही नहीं है तो ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये पार्ट आप इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा जितने इस एरे में यूनिक वैल्यूज हैं उस पर डिपेंड करेगा ठीक है सो दिस इज दी ओवरऑल पिक्चर तो देखो यार ये अप्रोच तुम्हारी फर्स्ट वाले से ऑब्वियसली बेटर है फर्स्ट तुम्हारा ब्रूट फोर्स था देन ये सेकेंड तुम्हारा ब्रूट फोर्स का ऑप्टिमाइजेशन है बट अभी भी इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है वो मुझे पसंद नहीं आ रही है तो तीसरी अप्रोच पे चलते हैं तो एक चीज बताओ मुझे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो तुम इस एरे में जाके सर्च कर रहे हो सर्चिंग के लिए हमने हैश सेट यूज कर लिया ठीक है बट वो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है क्या हम बिना एक्स्ट्रा स्पेस के सर्चिंग कर सकते हैं हाँ एफिशियट तरीके से कैसे देखो दोनों एरे सॉर्टेड है तो सॉर्टेड होने का फायदा उठाओ बाइनरी सर्च यूज़ करो ना यार सर्च करने के लिए मतलब आप वन पे जाओगे और कहोगे इस एरे में बाइनरी सर्च लगा दो देन आप टू पे जाओगे और कहोगे इस एरे में बाइनरी सर्च लगा दो फाइनली आपको एलिमेंट मिल जाएगा बट यहाँ बाइनरी सर्च लगाने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज लॉग ऑफ जहां भी आप लगा रहे हो तो वाले एरे पे लगा रहे हैं तो लॉग ऑफ एम ठीक है और इसकी साइज क्या थी एन तो आप हर एन एलिमेंट के लिए बाइनरी सर्च लगाओगे ओके okay, सो so ये आपकी बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि बाइनरी सर्च किस एरे पे लगाया जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सोच के बताओ कमेंट करना कि बाइनरी सर्च इन दोनों में से कौन से एरे पे लगाया जाए क्या कुछ फर्क पड़ेगा उससे अब बताता हूँ ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा बाइनरी सर्च हमेशा किस पे लगाओगे बड़े वाले एरे पे तभी तो एफिशियंट बनाओगे भाई सोचो कुछ सोचो टेन टू दी पावर नाइन है या टेन टू दी पावर फाइव ही राइट तो हम कह सकते हैं ये वाला टेन टू दी पावर फाइव लेंथ का है अब तुम बाइनरी सर्च अगर इस पे लगाओगे तो तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा टेन टू पावर फाइव इंटू लॉग ऑफ टू कर दिए ना बुद्धूपना और ये सोचो टू इंटू लॉग ऑफ टेन टू पावर फाइव कौन सा एफिशिएंट है, है दोनों को सॉल्व करके देख लेना ये वाला ज्यादा एफिशिएंट है तो ऑब्वियसली जो बड़े साइज के आ रहे हैं उस पर हम क्या लगाएंगे बाइनरी सर्च लगाएंगे ओके okay. सो so, इस केस में ये बड़ा आ रहा है तो हम इस पे बाइनरी सर्च लगाएंगे यानी कि हम टू पे खड़े होंगे और टू को बाइनरी सर्च की हेल्प से यहाँ पे ढूंढ देंगे देन अगर नहीं मिलता तो हम फोर पे जाते एंड देन तो वर्स्ट केस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती तो आई कैन से मिन ऑफ लेट्स कॉल दिस एज एन एन साइज एंड लेट्स कॉल दिस एज एम साइज एन कॉमा एम ठीक है इन दोनों में से जो भी मिनिमम है लॉग ऑफ अब अगला क्या है इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है ऑब्वियसली मैक्स ऑफ एन कॉमा एम ठीक है तो ये आपका बाइनरी सर्च जो कि हेल्पफुल होगा जो मैंने आपको टेस्ट केस बताया कि बहुत सिग्निफिकेंटली लार्जर नंबर है तो कैसे हैंडल करोगे ठीक है ग्रेट आगे चलते हैं सो so, uh, क्या हम इससे भी ज्यादा ऑप्टिमल वे में कर सकते हैं चेक करते हैं यार कर तो सकते हैं बताता बतातूँ कैसे Now comes the fourth approach. अब इस को। ये दोनों ही एरे क्या हैं सॉर्टेड हैं। तब हम binary search लगा पाए थे। अभी sorted है, तो एक और तरीका हम यहाँ पे लगा सकते हैं एक पॉइंटर यहाँ खड़ा कर दो लेट्स कॉल इट as आई uh, और एक पॉइंटर यहाँ खड़ा कर दो लेट्स कॉल इट as जे ठीक है अब मुझे तब रुकना है जब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए या इनमें से कोई भी एक एरे क्या हो जाए खत्म हो जाए एलिमेंट्स बचे ही ना उसमें तभी हम कहेंगे तब माइनस वन रिटर्न हो जाएगा बराबर है तो जो मिल रहा है वो रिटर्न करेंगे तो अब यहाँ बढ़ाओगे कैसे देखो बड़ा सिंपल है अब इन दोनों क्या वन और टू वैल्यू सेम है नहीं सेम नहीं है तो आपको किसी एक को आगे बढ़ाना है किसे बढ़ाओगे ऑब्वियसली छोटे वाले को बढ़ाओगे तभी तो बराबर पहुंचेगा मैंने देखा यार वन इज लेस देन टू तो मैंने आई को एक आगे बढ़ा दिया ठीक है अब आई को एक आगे बढ़ाने का फायदा क्या हुआ इधर भी टू इधर भी टू तो मैच हो गया यही तो हमें चाहिए था हमें सबसे छोटा कॉमन एलिमेंट मिल गया रिटर्न टू क्यों सबसे छोटा क्योंकि दोनों सोर्टेड है ठीक है और जैसे ही पहली वैल्यू मिले रुक जाओ वगैरह चेक ही नहीं करने जैसे पहली सेम वैल्यू मिले रुक जाओ जस्ट केस यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं लेट्स से यहाँ पे होता थ्री और यहाँ पे होता फाइव ठीक है ऐसा सिचुएशन होता तो अब थ्री और टू क्या ये दोनों मैच कर रहा है नहीं तो कौन सा छोटा है टू वाला तो हम टू को आगे बढ़ाते तो जे आ जाता है यहाँ पे अभी फोर एंड थ्री इन दोनों में से कौन सा छोटा है ऑब्वियसली थ्री तो हम आई को एक आगे बढ़ाते आई आ जाता फाइव पे ना फाइव एंड फोर कौन सा छोटा है ऑब्वियसली फोर तो हम फोर को एक आगे बढ़ाते जे बाहर आ जाता तो जैसे ही दोनों में से कोई भी ये कह एग्जॉस्ट हो जाता है वी कैन से रिटर्न माइनस वन एलिमेंट नहीं मिला समझ में आया वट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगी एन प्लस एम बट यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगी

अब यहाँ पे क्या होगा आप टू पॉइंटर जब लगाओगे तो आप कहोगे भाई टेन की दी पावर फोर और वन इन दोनों में से कौन सा छोटा है वन छोटा है तो आप इधर बढ़ाओगे एन सो वन बढ़ाते चले जाओगे यानी कि टेन टू पावर फोर टाइम्स आप इसे बढ़ाओगे अज्यूमिंग सब वन टू थ्री फोर एक एक डिस्टेंस में सारी वैल्यूज हैं। प्लस अब अगली बार आप क्या करोगे अगेन टेन टू दी पावर फाइव जब तक नहीं मिल जाता तब तक फिर से इसे बढ़ाते जाओगे सो so, इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे टेन पावर फोर और टेन पावर फाइव में नाइन थाउजेंड या नाइन थाउजेंड राइट हाँ नाइन थाउजेंड नंबर्स होंगे कैलकुलेट कर लेते वन टू थ्री फोर फाइव और वन टू थ्री फोर ठीक है जीरो ज़ीरो जीरो जीरो टेन माइनस वाइनस नाइन नाइन्टी थाउजेंड सॉरी नाइन्टी थाउजेंड नंबर्स होंगे ठीक है तो ये आपकी टू पॉइंटर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एक केस में ये वाला केस अब सेम केस में बाइनरी सर्च क्या करेगा अब आप बाइनरी सर्च बड़े वाले वाले एरे पे पे लगाओगे इस तो इधर कितने एलिमेंट्स इधर दो एलिमेंट्स है तो इंटू बड़ी वैल्यू ये वाली है ना तो लॉग ऑफ टेन की पावर ये कितने है ये है टेन पावर फाइव सिंपल तो इसे सॉल्व करो तो आंसर आता है फाइव और टू इंटू फाइव इज टेन अभी खुद ही देख लो कौन सा है बेटर है बट ये सेलेक्टिव अप्रोच है ऐसा नहीं बाइंडी सर्च हमेशा फास्ट होगा कई केसेस में तुम्हारा टू पॉइंटर फास्ट निकलेगा जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था राइट सो इंटरव्यू को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप दोनों में से कोई भी अप्रोच दे सकते हो अगर कंपैरेटिवली लार्जर वैल्यू और ऐसी सिचुएशन बन रही जो मैंने तुम्हें बताया तो उस केस में बाइंडी सर्च विल बी बे बेटर अदरवाइज टू पॉइंटर विल बी बेटर ठीक है तो कंपेरेटिवली लार्जर वैल्यू है गो विद बाइनरी सर्च अदरवाइज गो विद टू पॉइंटर तो मैं तुम्हें टू पॉइंटर बता रहा हूँ क्योंकि लीड uh, कोड में मैंने जब रन कराया तो टू पॉइंटर्स के कम्पेरिजन uh, में ज्यादा टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं पे टू पॉइंटर बेटर परफॉर्म कर रहा है तो चलो इसे कोड करते हैं ओके okay, सो so, सबसे पहले हम बना लेते हैं आई इज इक्वल टू जीरो दो पॉइंटर लगा दिए यहाँ पे देन एंड एन इज इक्वल टू नम्स वन डॉट लेन एंड एंड इज इक्वलटेंट मैं चाहता हूँ दोनों में से एक भी कंडीशन मीट ना हो रही हो तो लूप से बाहर आ जाओ अदरवाइज तुम्हें पता ही क्या होगा एयर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ओके तो हमने देखा आई इज लेस देन एन एंड जी इज लेस देन एम अब इफ अगर बराबर वैल्यू मिल जाती है तो वहीं से रिटर्न कर जाओ बल्ले बल्ले नम्स वन ऑफ आई क्वल नाम्स टू ऑफ जे अगर ये कंडीशन हो रही है तो यू कैन से रिटर्न नाम्स वन कुछ भी रिटर्न करो यार सेम ही वैल्यू है राइट नम्स वन से रिटर्न करो यार नाम्स टू से uh, दूसरा कंडीशन क्या बनेगी इफ नम्स वन ऑफ आई लेस लेस देन देन इसम्स टू ऑफ जे ठीक है अगर i तुम्हारा j से छोटा है तो क्या करना है i++ प्लस प्लस ठीक है अदरवाइज आपको क्या करना है जे प्लस प्लस एंड so, j प्लस, प्लस तो एल्स वाली केस कौन सी है जब j आपका i से छोटा है अब आप बराबर वाली केस भी हैंडल कर चुके हो छोटी और बड़ी भी हैंडल कर चुके हो ठीक है सो आई थिंक दिस इज कम्पलीटेड नाउ ठीक है बढ़िया अब वाइल्ड लूप से बाहर आने के बाद अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो रिटर्न माइनस ठीक है चलो इसे रन कराते हैं सो होप फुली वर्क एंड इट डेड क्या बात है अब इसे सबमिट भी कर लेते हैं ठीक <laughs> है हमें है क्या होगा ठीक है और आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग बाइनरी सर्च वाली अप्रोच कमेंट जरूर करना और मुझे बताना आप कौन सी ट्रिक यूज करोगे पता करने के लिए कि छोटा है या नम्स टू छोटा है इफेल्स लैडर मत लगाना कुछ और करना ठीक है अगर नहीं बनता है तो मुझे comment कर देना मैं तुम्हें इसी comment में snippet पेस्ट कर दूंगा ठीक है बेसिकली कैसे निकालते हैं छोटा वाला और अगर तुम्हें hint देना हो तो हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन एक में करा हुआ है binary search प्ले लिस्ट में आ रहा होगा तो बस यार रही था आज की वीडियो में आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और अगर आई है तो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है इस वीडियो का भी लाइक टारगेट है थर्टी तो लाइक टारगेटेट मीट करा दो मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर